तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लावा अग्नि 5G के स्मार्टफोन के बारे में। अगर देखा जाए तो लावा की तरफ से यह पहला ऐसा पावर एफिशियंट फोन होने वाला है और लावा ब्रांड की तरफ से बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था किसी डिवाइस को लॉन्च करे हुए। तो यार, ये जो फोन है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोग इसी फोन को परचेज भी कर पाओगे। ढेर सारी कमाल फीचर्स देखने को मिल जाती है आप लोग को इसी डिवाइस में। और अगर बात करेंगे सारी चीजों को मिलाकर तो दोस्तों, ये जो फोन है ये आप लोग को काफी ज्यादा जबरदस्त भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी डिवाइस की सारी की सारी फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बताएंगे दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी ऑल पे कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप लोगों को ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखना है तो जरूर से बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को 6.78 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें कि आप लोगों को एक सिंगल पंच होल देखने को मिल जाती है फ्रंट कैमरा के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को मीडियाटेक की तरफ से बहुत ही ज्यादा दमदार एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810। तो अगर बात करें इसी प्रोसेसर के बारे में, ये जो प्रोसेसर है आप लोगों को काफी ज्यादा एक पावर एफिशिएंट देखने को मिलती है, जिसकी मदद से इसी फोन के साथ आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से गेमिंग भी कर पाओगे। तो ये चीज आप लोग जरूर से बोल सकते हो, लावा की तरफ से भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक दमदार गेमिंग फोन देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसी फोन में आप लोगों को एक बेहतर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलती है। रियर साइड में यहाँ पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलती है, जिसमें कि आप लोगों को 64 मेगापिक्सल की एक प्राइमरी कैमरा सेंसर और इसी के साथ साथ 5 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल की मैक्रो एंड दोस्तों 2 मेगापिक्सल की डेप्थ कैमरा सेंसर देखने को मिल जाती है के रियर साइड में कैमरा सेटअप में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्रंट साइड में यहाँ पे आप लोगों को एक सिंगल पंच होल देखने को मिलती है, तो इसी में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सिंगल प्राइमरी कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाती है। तो काफी सही एक कैमरा सेटअप भी दी गई है लावा की तरफ से। और 64 मेगापिक्सल के कैमरा से आप लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर पाओगे। और इन्हीं सारी चीजों के अलावा इसी फोन में आप लोगों को 5000 एमएएच की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। और ये जो फोन है ये आप लोगों को एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें तो सारी चीजों के मामले में लावा ने काफी अच्छा काम किया है। अगर आप लोग देखते हो इसी फोन के तरफ तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल ही बैलेंस देखने को मिलती है, चाहे आप लोग बात करें एक बड़ी डिस्प्ले की या फिर अगर बात करने जाएंगे आप लोग अच्छी कैमरा सेटअप की। और इन्हीं सारी चीजों के अलावा यहाँ पे आप लोग को बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलती है और यहाँ पे आप लोग को बहुत ही बढ़िया एक बैटरी भी देखने को मिलती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों इसी फोन के बारे में, ये फोन ऑनली आप लोगों को 18,000 प्राइस में देखने को मिल जाएगा। जल्दी इसी फोन की जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप लोग इसी फोन को परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली जरूर से आप लोग इसी फोन को परचेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसी फोन में आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी फीचर्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों को 18,000 के अंदर कोई गेमिंग फोन परचेज करना हो और अगर आप लोगों को लावा का ब्रांड पसंद है तो आप लोग डेफिनेटली इसी फोन के साथ जा सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। होप करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आया पसंद तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा ये जो वीडियो ये आप लोगों को कैसे लगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।